तुले बैठ भाई उठ ले आई नहीं पानी तीक पानी मारती गुरु साहब लोगों ने पानी के आई है तो ये हमारे बॉटलिस वर्ल्ड फाउंडेशन और लीमा नासिक की तरफ से सब टीम आई है, सब यहाँ के जो हमारी हिंदुस्तान की जनता है कि उनको सेवा देने के लिए हम सब आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन यादव है, डॉक्टर तुषार पाटिल है, बाकी भी काफ़ी सोल सब लोग हैं। उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हो कि वो यहाँ पे आए हैं, और इंडियन मिलिट्री का भी आभार व्यक्त करता हो, उन्होंने इतना अच्छा जो फंक्शन है यहाँ पे रखा है और हमें देश सेवा करने का एक मौका दिया है। हम देश सेवा के लिए कभी भी तैयार है, आप आवाज़ दो, हम यहाँ पे हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, यस यस, यहाँ पे वर्ल्ड बॉर्डरलेस एसोसिएशन की जो हमारी एसोसिएशन है, मिस्टर अधिक कदम, उन्होंने जो फॉर्म की है पुणे से, तो उसकी उसकी तरफ से हम यहाँ पे आए हैं विथ एसोसिएशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री। तो ये यहाँ पे हेल्थ कैंप, हेल्थ चेकअप रखा है, गायनेकोलॉजिस्ट, हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ पे जो स्त्रीरोग के पेशेंट्स हैं उनका इलाज करने के लिए बहुत सारे इंटीरियर एरिया है। यहाँ पे हमें सेवा देने का जो चांस मिला है मिलिट्री से, उसका फ़ायदा यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है बॉर्डर के पास है, जहाँ पे जाने आने की ये थोड़ी सी दिक्कत है, उनके वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम है। और वो करने के लिए हमें जो
मौका दिया है वो बहुत उसके लिए कहेंगे। कौन से एनजीओ से आप अपने बारे में बताएं जरूर। हम यहाँ पे बॉटलेस वर्ल्ड फाउंडेशन करके जो एनजीओ है पुणे बेस्ड है वहाँ से आए हैं और नासिक के बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो आए हैं यहाँ पे इस ग्रुप में। और बेसिकली एक एनजीओ ये करती है कि आर्मी के मदद के साथ हम ऐसे ठिकानों पर जाते हैं जहाँ पे एज सच मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है जल्दी, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जाते हैं और ये कैंप कंडक्ट करते हैं ताकि जो हमारी इंडियंस है जो अभी तक वंचित रहे हैं ऐसी सर्विसेज से उनको ये मिले, उनके पास अवेयरनेस बढ़े और जो गुडविल है वो बनी रहे। तो मैम यहाँ आकर कैसा लगा आपको इस एरिया में, शायद फर्स्ट विजिट होगा आपका? हमने और एक विजिट पहले भी किया 2019 में, लेकिन इस एरिया में नहीं किया है, कुपवाड़ा उस साइड पे किया था। तो यहाँ का आके क्या आपको कैसा फील हुआ? इट इज़ वेरी पीसफुल, जैसे लोगों को नोशन रहता है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट एरिया है या वैसी चीज़ें हैं तो वो नहीं लगे हमें। और ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ आर्मी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कन्वीनियंट मानते हैं कि यहाँ पे हो रहा है एंड पब्लिक भी ओपन टू द कॉज है कि ठीक है आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन जितना है उतना हम लोग पब्लिक आ रही है एंड वी आर बीइंग एबल टू ट्रीट देम। मैम आवाम और आर्मी के साथ जो मतलब कि जो उनका रिलेशन है लाइक जैसे आर्मी के इस स्टेप से कितना बेनिफिट मिल रहा है लोगों को, क्या देश भर में क्या संदेश देंगे आप? ऑब्वियसली बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कोलैबोरेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ईच अदर एक ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे आवाम एज वेल एज आर्मी दोनों जब अगर एक साथ काम करती हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा प्रोग्रेस होने का चांस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है जो यूजली ऑन अ नॉर्मल बेसिस कोई सिविलियन कितना करेगा, सो व्हेन इट इज़ विद द आर्मी इट बिकम्स मच मच बेटर। गुड मॉर्निंग, ये आज मेंडर गनर्स ने इधर एक मेडिकल इवेंट कैंप ऑर्गेनाइज किया है यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंडर में और यहाँ बहुत सारे आर्मी के डॉक्टर भी हैं और सिविल डॉक्टर भी हैं यहाँ जो प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और यहाँ बहुत अच्छे ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इंडियन आर्मी, हम थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी का जो इतना बड़ा इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करा रही है और हमारे यहाँ बच्चों को बहुत सारे स्टूडेंट्स और बाहर के जो भी हैं सिविलियन हैं उनको हेल्पफुल कर रही है हमारी इंडियन आर्मी और हम थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी का। ये हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से अच्छी एक पहल है आज 101 मेंडर गनर्स की तरफ से, आज यहाँ डिग्री कॉलेज मेंडर में एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसमें एक पुणे बेस्ड जो एनजीओ है उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए हैं यहाँ पर, लोगों को फ्री में यहाँ चेकअप भी हो रहा है और जहाँ तक हो सके फ्री में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। सर किस तरह से करते हैं कि आर्मी का इस तरीके से सिविल के साथ मिलकर ये करना क्या करना? हाँ हमारी इंडियन आर्मी नो डाउट हमारी बॉर्डर्स पर सुरक्षा तो कर ही रही है, उसके साथ साथ जो ये सिविलियन के साथ इंगेजमेंट है और जो उनके साथ एक इनका प्रोग्राम चल रहा है सद्भावना हो गया या अदर प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छी एक पहल है जो हमारा खासकर हमारे बॉर्डर एरिया में यहाँ दूर दराज का एरिया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो आज जो इन लोगों को मौका मिला है यहाँ पे अपना चेकअप करवाने का तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से आएँ और जो ये है इसका